एक से दस तक की स्पीड है, जिसमें हमें रॉयल पेंट जो होता है वो 5 से 6 के बराबर में अपने को रखना है, और प्लास्टिक अगर होता है तो 4 से 5 के बराबर। मैं आपको इसमें रॉयल पेंट करके बताऊंगा। ये इसकी कैप है पेंट की, ये पेंट है रॉयल, ये कैप है, और जो रॉयल पेंट है उसमें एक लीटर में 15% ही पानी मिलाया जाएगा। पॉइंट रखना है ये यूँ करके, और इसे यूँ टर्न करना है, यूँ घुमाना है ताकि ये फिक्स हो जाए। ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट हमें ये ओपन करना है, ठीक है। अभी इसकी एयर हमें निकालनी है, एयर निकल गई और ये पेंट यहाँ पे ऊपर आ गया, ये देख सकते हैं आप। अब जो है हमें ये कैप वापस लगानी है और खट से आवाज़ आनी चाहिए इसकी, ठीक। नोजल को नीचे रख, पॉइंट को नीचे रख के इसे 5 सेकेंड हमें चलाना है, 5 सेकेंड चलाना है ताकि जो है पंप में जो है इसका पेंट आ गया, ठीक है। अब ये स्प्रे करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब हम पहले इसे नोजल को घुमा करके इसका पेंट आ, ठीक है। अब हम इसे वापस नहीं करते हैं तो ये स्प्रे वाला पोजीशन हो जाए इसका, ये स्प्रे करने लगेगा, ठीक। एक फिट की दूरी रखनी है मशीन से, ठीक है। और जब हम यहाँ से चालू होते हैं तो यहाँ तक जब हम पेंट पहुँचते हैं तो हम इस बटन को जो है बंद कर देंगे, और वापस जब चलेंगे तो फिर से चालू करेंगे, तो हमें ऑफ ऑन और फिर ऑफ इस तरीके से, ठीक है। ये ऑफ, ठीक है। और अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए कि ये पेंट सही से नहीं फेंक रही है, तो आपको करना क्या है, इस नोजल को घुमाना है और इसका कचरा जो है 5 सेकंड के लिए दबाओगे आप, 2 सेकंड के लिए, जिसमें कचरा निकल जाएगा, ठीक है। एक फिट की आपको दूरी रखनी है, ज्यादा नहीं। तो इसको जब हमने किया तो इस पर मैंने मास्किंग टेप और न्यूज़पेपर लगा करके इसे कवर किया ताकि लाइन बन जाए। अगर अपने को पूरी बॉल साथ में लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपने को चेंज रखना है कलर, जैसे कि ये दीवार अलग है तो वो दीवार अलग है, तो ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे क्लीन कैसे करना है। ये जो नोजल है इसे हमें धोना है, इसमें जो केप है इसमें हम खोल के इसे और इसमें पानी भर के इसे साफ करके फिर इसमें दोबारा हम पानी भरेंगे। पानी भरने के लिए फिर हम इसे खोल लेते हैं ये ऐसे, और इसे हम यूँ उल्टा रखते हैं, ठीक है। इसे उल्टा, ये वाला जो पॉइंट ऐसे रखना है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे कि इसको हम जोर जोर से हिला के और हम इसे उल्टा उल्टा करके हम इसे चलाएंगे, ठीक है। ये वाला मोड़ अपन इसे इधर रख देंगे, ये वाला, और ये, ठीक है। अब ये क्या है, पानी इसमें पंप में चला गया। अब पंप से चलने के बाद में हमें ये जो नोजल है इसे हम स्प्रे मोड पे करेंगे। अब इसे उल्टा कर रहे हैं, पानी इसमें निकल रहा है। सफाई के लिए आप जो स्पीड है 10 या 10 के समथिंग रखनी है, ठीक है। ये हमने साफ कर दिया, अब हमें इसे साफ करना है, बाकी रखना है इसे उल्टा ही है, ठीक है। जो ये नोजल है इसे साफ अच्छे से करना है,
अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो हम इसे खोल लेते हैं, खोल करके साफ़ कर लेंगे। बाद में हम इसको इसे भी घुमा करके निकाल लेते हैं, इसे हम साफ़ कर लेंगे, इसे हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में हमें वापस इसे लगा लेना, लगा के हम इसे दोबारा काम ले सकते हैं। वापस इसे हम लगा लेते हैं, इसमें वापस लग गया, ठीक है, लग गया। और ये आपको पता ही से मैंने बता ही दिया, ये प्राइम मोड है, जिसमें क्या होगा कि जब आप मशीन कलर जब आप लोगे तो इसमें जो है कलर जब रहेगा तो हमें 5 सेकंड तक इसे ऐसे ही चलाना है, ताकि इसके जो अंदर का पंप है उसमें इसका पेंट जो है प्रॉपरली अंदर आ जाए, उसके बाद में फिर आप काम कर सकते हैं। जब स्प्रे करें तो ये नोजल घुमाना है अपने को सामने,